चलो, वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहले आपके साथ आज एक छोटा सा नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज डेट हो गई 5th ऑफ मई। टॉपिक क्या है, मैं हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले, आपके पास कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स हैं जो आपके कोर्स का पार्ट है। एक मेथड है जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग। इट मींस अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे वो सारे के सारे फ्लक्चुएटिंग मेथड वाले क्वेश्चंस थे। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट। बट एक और भी मेथड होता है जिसको बोला जाता है फिक्स मेथड। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा फिक्स मेथड के अंदर आप सब स्टूडेंट्स दो अकाउंट बनाएंगे। पहला अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के साथ एक और अकाउंट बनेगा जिसका नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब सर ये क्या कहानी है ये मैं आपको बताता हूं। पेपर में आपको फ्लक्चुएटिंग अगर होगा तो एक अकाउंट बनाना है कैपिटल अकाउंट, बट अगर लिखा है फिक्स मेथड तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल और करंट। मैं आपसे पहले कुछ डिफरेंट बात करता हूं, फिर हम आएंगे आपके 12th क्लास के ऊपर। पहले मुझे बताओ, अगर आप सब बच्चों को नॉलेज है, नॉर्मली बैंक के अंदर कितने तरह के अकाउंट होते हैं? बेटा अकाउंट्स को छोड़ो, बैंक में बताओ, बैंक में कितने तरह के हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मुझे बताइए। एक होता है सेविंग अकाउंट, वेरी गुड। और बताओ, एक होता है करंट अकाउंट, वेरी गुड प्रियांशी, सेविंग करंट। और शायद कुछ बच्चों को पता हो, एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये तीन तरह के मोस्ट पॉपुलर अकाउंट है। फिर इसके अलावा भी होते हैं रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, उन सब कुछ छोड़ो, तीन होते हैं मेन अकाउंट, सेविंग करंट और फिक्स्ड। सेविंग अकाउंट पता है किन लोगों के लिए होता है? जो जॉब करते हैं, मतलब उनकी क्या आती है, सैलरी। सैलरी पूरे महीने में एक बार आती है और उसके बाद आप एक बार विड्रॉ करते हो अपने घर खर्चे के लिए, तो सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन बहुत कम होती हैं। मगर करंट अकाउंट पता है कौन ओपन कराता है? जिनका होता है बिजनेस। जैसे क्या मेरा बिजनेस है? सो आंसर इज यस, हमने ओपन करा रखा है करंट अकाउंट। अब बिजनेस के अंदर करंट अकाउंट होता है क्योंकि इसके अंदर ट्रांजेक्शंस होती हैं ज्यादा। जैसे एक एक करके मुझे स्टूडेंट फीस देता है तो बार बार फीस आती है तो उसे मैं क्या लिखता हूँ, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में हमेशा ट्रांजेक्शंस ज्यादा होती हैं, और सेविंग के अंदर हार्डली 3-4 ट्रांजेक्शन होती हैं एक महीने में। करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शंस और भी ज्यादा होती हैं। इसी बेसिस पर ये आपको समझ आ जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शंस ज्यादा होंगी, और कैपिटल का मतलब है फिक्स, फिक्स का मतलब हो गया एक तरह से सेविंग, इसके अंदर ट्रांजेक्शंस बहुत कम होंगी। पहले नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं, फिर आपको मैं इससे लिंक कराऊंगा। जैसे आपने ये बनाया कैपिटल अकाउंट, मैंने यहां पे लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप सब बच्चों ने ये नहीं बनाना बिकॉज ये आपकी बुक में दिया हुआ है। पहले एक बार मेरे साथ समझें, दो पार्टनर हैं। हम अपना ही एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट का। एक मैं हूं पार्टनर वरुण सर, दूसरे कौन है, गौरव सर। और यहाँ पे आती हैं पर्टिकुलर्स, सेम यहाँ पे चलते हैं, दो पार्टनर वरुण एंड गौरव, और यहां भी मैंने क्या लिखा, पर्टिकुलर्स। अगर एक ही अकाउंट बन रहा है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बन रहा है, इसका मतलब कौन सा मेथड है? अगर एक ही अकाउंट बन रहा है इसका मतलब कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग। इसमें सब कुछ आएगा, चलो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले फ्रेंड्स आएगा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। और लास्ट में पता है क्या आता है? क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी। फिर और क्या आता है? यहां पे आता है एडिशनल कैपिटल। याद करो मैंने कैपिटल अकाउंट आपको बनाना सिखाया था, ये वाली साइड होती है डेबिट। डेबिट का मतलब होता है माइनस, आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है। और ये वाली साइड होती है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। जब भी पैसा आएगा आपकी कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट में डालोगे। जैसे एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इन सब से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। कमीशन, पार्टनर का कमीशन, इनसे कैपिटल इंक्रीज होती है। अच्छा ये बताओ, लॉस से, बेटा लॉस से कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, माइनस होगी अगर लॉस होता है? बताइए जल्दी से मुझे, लॉस के केस में क्या होगा? लॉस के केस में आपकी कैपिटल कम होगी, माइनस होगा डेबिट साइड। और लॉस को पता है हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर प्रॉफिट होता, प्रॉफिट होता तो हम लिखते P&L, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको, अभी मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा। प्रॉफिट होता तो अप्रोप्रिएशन लिख रहे हैं, और लॉस है तो सिर्फ P&L लिख रहे हैं। ये क्या दिक्कत है, इस बारे में बात करेंगे अभी। और बताओ, ड्रॉइंग से, बेटा ड्रॉइंग्स से कैपिटल माइनस होगी या प्लस होगी? ड्रॉइंग का बताओ जल्दी से, ड्रॉइंग के केस में क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इज, ड्रॉइंग्स के केस में आपका क्या होता है? कैपिटल कम हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कहाँ आता है? इधर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से भी क्या होगी? आपकी कैपिटल कम होगी। ये होता है बेसिक फॉर्मेट, जिसके अंदर मैंने सब कुछ कवर कर दिया, सब कुछ कवर कर दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आए। अब मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करता हूं, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। आपकी बुक का पहले मेरे साथ साथ एक बार टीएस ग्रेवाल सर की बुक ओपन करते हैं, और पेज नंबर है 2.22। बेटा एक बार ओपन करेंगे पेज नंबर 2.22, वहां पे लिखा है आउटलाइन द कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब सिर्फ एक अकाउंट बनाओगे जिसका क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। और इस कैपिटल के अंदर, अब सुनना जरा ध्यान से, मैं कुछ नंबरिंग कर रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस का मैंने नंबरिंग करी 1। आप भी फटाफट अपनी बुक में जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे नंबरिंग करो 1। बेटा फटाफट करेंगे 1 नंबर। सेकंड लिखा है कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल, इस पर करो नंबरिंग 2, यानी एडिशनल कैपिटल है 2। फिर आ जाओ डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिखा है टू कैश और बैंक ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। याद से ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब ड्रॉइंग के ऊपर मैंने क्या करा? 3 नंबर। ये थर्ड नंबर है। और लास्ट में आता है बैलेंस सीडी, इस पे भी टिक लगाओ। ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया बैलेंस सीडी 4 नंबर। अब करना क्या है आपको, समझना जरा ध्यान से। ये टोटल कैपिटल अकाउंट है, इसमें सब कुछ है। मैंने अगर अगर पेपर में आ जाए फिक्स्ड मेथड, इट मींस पेपर में कौन सा मेथड दिया है? फिक्स्ड मेथड, तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? कैपिटल अकाउंट। और एक और साथ में पता है कौन सा अकाउंट बनाओगे आप? करंट अकाउंट।
दो अकाउंट बनेंगे। अब समझेंगे कैसे। जो मैंने नंबरिंग करी है 1, 2, 3, 4, वो सारी कहाँ आएंगी? कैपिटल में। 1, 2, 3, 4, ये चार चीजें आएंगी कैपिटल में, यहां से उठा के यहां डाल देंगे। इसके अलावा जो भी कूड़ा करकट बच गया, जैसे आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, यहां से क्या बचा, आईओडी, लॉस, ये सारा का सारा पोर्शन पता है कहाँ आएगा? ये सारा आएगा करंट अकाउंट में। खत्म। इसका मतलब आप ये बात को समझेंगे, इस कैपिटल अकाउंट को मैंने दो पार्ट में ब्रेक करा है, इस कैपिटल को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक करा है। अगर फिक्स है, चार चीजें कहाँ जाएंगी? कैपिटल में, और बाकी जितना बच गया आईओसी, सैलरी, कमीशन, वो सब कहाँ जाएगा? करंट में। यहां देखो आईओडी, लॉस, ये भी कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट। पहले मुझे बताइए कि आपको एक बेसिक बात समझ आई है, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है? बेटा बताओ मुझे जल्दी से, क्या बेसिक बात समझ आई है? मैं थोड़ा सा और टेक्निकल लेके जाऊंगा अभी इसको। यस, वेरी गुड। चलिए, इतनी बात आप सबको समझ आ गई है, थोड़ा सा इसको टेक्निकल लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये, आप ग्रेवाल सर की बुक देखो और इसके अंदर आराम से देखना, प्रॉफिट के केस में पता है क्या लिखा है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं इसको पहले जूम करके दिखाता हूं आप। बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, प्रॉफिट के केस में लिखा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट लॉस के केस में, आप सब बच्चे अंडरलाइन करेंगे, बहुत बहुत यूनिक चीज है, लॉस के केस में आपने लिखा पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा। तो ग्रेवाल सर कहते हैं प्रॉफिट तो एप्रोप्रिएशन में जाता है, मगर लॉस, लॉस कहां रह जाता है? पी एंड एल अकाउंट। ये क्या समझाना चाह रहे हैं बेटा? ये बातें मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और आज एक बार दोबारा से मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। इस बात को समझना, यहीं पे ना स्कूल के अंदर और ट्यूशन और सीबीएसई में यहीं पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं आपको बेस बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पी एंड एल अकाउंट की स्टार्टिंग पता है कहाँ से होती है? पी एंड एल अकाउंट की स्टार्टिंग होती है ग्रॉस प्रॉफिट से, और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है ग्रॉस लॉस। 11th क्लास की बात करूं तो यहाँ पे आते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, और यहाँ पे आती थी इनकम्स, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ये था 11th क्लास। फिर आपने कुछ नया सीखा। नया क्या था, याद है आपको? एम आर आई। बेटा जल्दी से बताओ एम आर आई, क्या मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था आपको एमआरआई? फटाफट बताइए, यस और नो। एम का मतलब क्या था? एम का मतलब था मैनेजर कमीशन, यस। आर का मतलब क्या था? रेंट पेड टू पार्टनर। आई का मतलब क्या था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये कुछ तीन चीजें यूनिक थी। और सर जो लास्ट में डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और ये जो नेट प्रॉफिट होता है, ये आगे चल के पता है कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है आगे चल के 12th क्लास में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये एप्रोप्रिएशन में चला जाता है, ये ट्रांसफर करते हैं यहां पर। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ना स्कूल के साथ कुछ कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। मैंने ऑफलाइन में जितने भी बैचेस लिए हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, कुछ कंफ्यूजन हो सकती है आपके स्कूल में। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करा, फिर क्या करते थे? यहाँ पे आता था आईओसी, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, और जो लास्ट में बचता था उसे क्या कहते थे?
उसको बोलते थे डिविजिबल प्रॉफिट, खत्म। और यहां पे क्या आता था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इट मींस ये जो प्रॉफिट था ये पार्टनर्स में यहाँ पे जाके बढ़ जाता था। तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कहाँ बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है एप्रोप्रिएशन में। बट अगर 11th क्लास के अंदर, 11th क्लास में अगर आपका नेट लॉस आ गया, तो दोस्तों नेट लॉस क्या यहाँ ट्रांसफर करेंगे? पहले क्वेश्चन ये है, क्या नेट लॉस यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? 11th क्लास का नेट लॉस क्या एप्रोप्रिएशन में? वेरी गुड प्रियांशी, बेटा ये बात मैंने आपको बताई थी, आंसर इज नो, नेट लॉस को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। पता है आपके स्कूल टीचर्स और सीबीएसई में क्या डिबेट चल रही है? डिबेट ये चल रही है कि अगर नेट लॉस यहाँ ट्रांसफर नहीं होता तो इसका नाम पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों है? इसका नाम पता है क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन। ये डिबेट चल रही है, लड़ाई चल रही है स्कूल में और सीबीएसई में से कि यहां से लॉस हटाओ, क्योंकि लॉस यहाँ ट्रांसफर नहीं होता इसलिए लॉस हटाओ। बट अभी तक डिबेट का कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, इसलिए इसका पूरा नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आप बस इतना समझेंगे कि सर लॉस यहां नहीं आएगा, सिर्फ एक केस में आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, तो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। लॉस यहाँ नहीं आएगा। तो सर लॉस डिवाइड कहाँ होगा? बेटा लॉस यहीं पर आप पार्टनर्स में बांट देना, यहीं पर। कुछ मुझे मिल जाएगा वरुण सर को, कुछ मिल जाएगा गौरव सर को। इट मींस लॉस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, यही टीएस ग्रेवाल सर कहना चाह रहे थे। लॉस होता है पी एंड एल में, मगर प्रॉफिट कहाँ होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है मेरे में और गौरव सर में, कौन से अकाउंट में? एप्रोप्रिएशन। क्या आपको एक टेक्निकल बात समझ आई है? बताएं जल्दी से मुझे बेटा, क्या ये टेक्निकल समझ आया है आपको? जल्दी जल्दी, एक एक कॉन्सेप्ट में टाइम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज ये चैप्टर बेटा सबसे ज्यादा वेटेज है बोर्ड में। तसल्ली से पढ़ना इस चैप्टर को बस, बाकी सारे चैप्टर्स बहुत आसान है। जी रिया, बेटा रिया रिप्लाई करो, एनी डाउट्स? सृष्टि, सृष्टि एनी डाउट्स? चलिए, ये आपको दोनों बातें समझ आ गई हैं। मैं अब कुछ और आपको समझाना चाह रहा था। पी एंड एल को पता है क्या बोला जाता है? पी एंड एल को बोला जाता है चार्ज। चार्ज का मतलब याद करो, मैंने आप सब बच्चों को बताया था, पी एंड एल का मतलब होता है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट। बेटा मैं लिख नहीं रहा, चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट। कंपलसरी का मतलब इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट, आपको ये सारे खर्चे देने पड़ेंगे। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, सारे खर्चे देने पड़ेंगे। और इन केस यू आर अर्निंग लॉस, लॉस होगा तब भी आपको सारे खर्चे देने पड़ेंगे। यानी पी एंड एल का मतलब होता है चार्ज और चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट, आपको देने ही देने पड़ेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताओ अगर आप स्कूल नहीं जाते, कोविड के टाइम आप स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या स्कूल फीस फिर भी देनी पड़ेगी? बताओ बेटा, क्या स्कूल फीस, अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तब भी क्या स्कूल फीस देनी पड़ती है आपको, यस और नो? बताइए मुझे। सो आंसर इज यस, इसे बोला जाता है चार्ज। तो स्कूल जाओ या ना जाओ, आपको स्कूल फीस देनी पड़ती है। और ये बताइए मुझे, समर वेकेशंस, बेटा समर वेकेशन नॉर्मली होती है 1 मंथ की, क्या आपको समर वेकेशन की भी स्कूल फीस देनी पड़ती है? अगर आपको कुछ पता है तो बेटा बेसिस शेयर करो, क्या समर वेकेशन की फीस आपको देनी पड़ती है स्कूल के अंदर? वेरी गुड निधि प्रियांशी, यस बिल्कुल एब्सोल्युटली देनी पड़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं? चार्ज।
प्रॉफिट हो या लॉस हो, सौम्या व रिगोट स्मित, देना पड़ता है। तो पी एंड एल की आइटम सारी क्या होती हैं? चार्ज। अब चलते हैं सर एप्रोप्रिएशन। मुझे ये एप्रोप्रिएशन बताना था, इसलिए मुझे इतनी सारा डिटेल आपको बताना पड़ा, और इसके बाद अब आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, पहले तो मतलब बताता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन में मीनिंग लिखूंगा तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ओनली अमंग पार्टनर्स, अंडर डिफरेंट हेड्स। वेरी गुड बेटा, ये इंग्लिश आपको क्लियर बता देगी। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सिर्फ प्रॉफिट बांटना। प्रॉफिट किसके बीच में? पार्टनर्स में। तो याद रखना, सिर्फ प्रॉफिट बांटना। इट मींस अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप पार्टनर्स में बांटोगे, आप आईओसी भी दोगे, आप सैलरी भी दोगे, कमीशन भी दोगे, जनरल रिजर्व में भी डालोगे, सब कुछ करोगे, बिकॉज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट अगर आपके बिजनेस में लॉस हुआ, अगर लॉस होगा तो आप कुछ नहीं दोगे, ना आईओसी दोगे, ना सैलरी, ना कमीशन, ना जनरल रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ प्रॉफिट ओनली। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी ये डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, लास्ट लाइन के ऊपर हमारी आज की क्लास लग जाएगी। अगर अगर प्रॉफिट कम हुआ, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने एक्सपेंस भी, खर्चे भी क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। बेटा ये लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉफिट कम है तो आपको अपने खर्चे भी क्या करने पड़ेंगे? कम। इसको आपकी बुकिश नॉलेज में, आपके स्कूल में बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड इनसफिशियंट प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड इनसफिशियंट प्रॉफिट। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि सर ये अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है। ये लीजिए एक एग्जांपल। बेटा बिल्कुल नोटिंग नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। डन। इन दोनों पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है 4 लाख और 2 लाख, ये इनकी कैपिटल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे कैपिटल की रेशियो बता सकते हो? बेटा इसको देख के क्या आप मुझे बता सकते हो कैपिटल की रेशियो? 4:2। 0:0 काट दो, 4:2, मतलब इनकी कैपिटल रेशियो पता है कितनी हुई? 2:1। ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। वेरी गुड अदिति, आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। जरा बताना 6% कितना हुआ? 4 लाख का 6%, 24,000, और 2 लाख का 6% कितना हुआ? 12,000। ऐसे ही नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, आईओसी की रेशियो बताओ। बेटा इसको देख के बताओ आईओसी की क्या रेशियो होगी। वेरी गुड अश्विन, कितनी रेशियो होगी? आईओसी की भी रेशियो कितनी आ रही है? 2:1। 12 1s 12 2s। यहां तक बात खत्म हो गई। केस नंबर वन बहुत ध्यान से देखना, पहला केस आसान सा, आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है 40,000, 40,000 का प्रॉफिट है। जरा फटाफट हम बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी आपको समझ आ जाएगा। मैंने यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट,
जरा स्पीड से करते हैं। नेट प्रॉफिट है 40,000, यहाँ लिखा टू आईओसी। बताओ एक्स को कितनी देंगे? 24,000। वाई को कितनी देंगे? 12,000। टोटल करो, टोटल आ रहा है 40,000, 40,000, 40,000 में से ये माइनस करो, कितना आ रहा है? ये इनका टोटल आ रहा है 36,000। दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट आएगा वो बढ़ जाएगा एक्स और वाई में। क्या रेशियो थी इनकी? 2:3। पहले बताओ कितना प्रॉफिट बचा? 40,000 में से 36 गए 4,000। बताओ फिर 4,000 को इसमें बांटते हैं, 4,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 800। कितना कितना आएगा? 1,600 और 2,400। ये सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट है, दे दिया, खत्म। बेटा इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए, मुश्किल अब होगी। सेकंड सेकंड केस में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है 40,000। पहला क्वेश्चन तो ये, आईओसी होता क्या है बेटा? आईओसी चार्ज होता है या अप्रोप्रिएशन, ये बताओ। आईओसी होता क्या है? आईओसी होता है, फटाफट बताएंगे, आईओसी होता है अप्रोप्रिएशन। और अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर लॉस है तो आईओसी नहीं मिलेगा। बेटा अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है इन केस ऑफ लॉस आईओसी नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप इस लॉस को पीएनडीएल अकाउंट में बांटेंगे या पीएनडीएल अप्रोप्रिएशन, बताइए जल्दी से। अभी हमने टाइम लगाया था बेटा, यहां पे हम लिखेंगे पीएनडीएल में बांटेंगे नेट लॉस, यहीं बांट के खत्म करो। एक्स और वाई 2:3, क्या आईओसी मिलेगा? नहीं। लॉस है 40,000, इसको बांट दो 16,000 इसे, 24,000 इसे, खत्म। लॉस को बांट दिया। क्या ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए हैं? अब मैं चलूंगा थर्ड एग्जाम्पल पर। पहले बताइए क्या ये दोनों एग्जाम्पल समझ आए हैं, यस और नो? बताओ जल्दी से। अब हम चलते हैं मेन एग्जाम्पल पर, जिसके बेस पे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब प्रॉफिट कम है। जैसे केस थर्ड में लिखा है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000। आपको पता है आपका टोटल खर्चा कितना है बेटा? टोटल आईओसी कितना है? टोटल आईओसी है 36, मगर प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 30,000। अब इस केस में क्या होगा? पहले मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पर। याद रखना प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है तो आपको क्या करना है? आपको अपने खर्चे, अपने खर्चे आईओसी, आईओसी को क्या करना होगा? कम करना होगा। तो मैं जरा आपको करके दिखाता हूं, फिगर्स याद रखना। केस थर्ड का आगे लेके चल रहे हैं हम। सबसे पहले तो हम बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना आपके स्कूल और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने यहां लिखा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना लिखा? 30,000। फिर यहां लिखा टू आईओसी, एक्स और वाई कितना कितना था? एक्स का था 24,000 और इसका था 12,000। अगर मैं ऐसे करता हूं, मैंने पूरा पूरा इंटरेस्ट दे दिया, अगर मैं ऐसे करता हूं तो इसका टोटल आ रहा है 36,000। इसका टोटल लिखा 36 और यहाँ पे है 30,000। सर अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे पास डिविजिबल लॉस आ गया। पता है डिविजिबल लॉस कितना आ गया? 6,000। और इसको पार्टनर्स में बांट दो, ये तरीका बिल्कुल गलत है बेटा। एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं आएगा, सिर्फ एक केस छोड़कर। आप समझे बात को?
P&L अप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आएगा, इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहां पे लिखा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 30,000, इसका मतलब होता है आपकी इनकम, आपकी पॉकेट में 30,000 रुपए हैं। क्या आप खर्चा करने जाओगे? तो क्या 30,000 से ज्यादा खर्चा कर पाओगे? सो आंसर इज नो। अभी आपको दिख रहा है आपका खर्चा कितना है, 24,000 और 12,000। बेटा पॉकेट में है 30,000, जब पॉकेट में इनकम 30,000 है तो खर्चा 30,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम खर्चा पता है कितना हो सकता है? 30,000। इट मींस अब जब आप आईओसी बांटना है आपको, आप आईओसी बांटोगे किस रेशो में? आईओसी की रेशो में, क्योंकि आप आईओसी बांट रहे हो। बेटा बच्चे प्रॉफिट रेशो में बांट देते हैं, ये आंसर गलत है। प्रॉफिट रेशो में नहीं, आप आईओसी की रेशो में बांटोगे। मैंने आईओसी की रेशो निकालना सिखाया था आपको। आईओसी की रेशो है 2:1, जितना प्रॉफिट है उतना ही आप क्या दे सकते हो, आईओसी। और आईओसी किस रेशो में दोगे? 2:1 में। अगर मैं 30,000 को बांटता हूं 2:1 में, तो आपको पता है एक्स को कितनी मिलेगी आईओसी? 20,000। वाई को कितनी मिलेगी? 10,000। प्रैक्टिकली समझें, 24,000 मिलना था, मिला कितना? सिर्फ 20,000। क्यों? इसलिए अगर प्रॉफिट कम है तो आपको अपने खर्चे भी क्या करने पड़ेंगे, आपको अपने खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। वाई का देखो 12,000 है, अब कितना मिलेगा? अब मिलेगा 10,000। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, किस रेशो में बांटेंगे, आईओसी की रेशो में, जितना प्रॉफिट है। और इसको बोला जाता है प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। पहले ये बताइए कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया है? मैं थोड़ा सा टेक्निकल करूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 52 में यही दिक्कत है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं उस क्वेश्चन का, बेटा ये डीड में नहीं मेंशन होता, ये अप्रोप्रिएशन का मतलब है अश्मित, ये डीड में नहीं लिखा होता। अप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है आपकी पॉकेट में जितना पैसा है। आप एक बात बताओ, आपकी पॉकेट में 30,000 रुपए हैं, आप पेट्रोल पंप गए पेट्रोल डलवाने, आप पता है मैक्सिमम पेट्रोल कितना डलवा सकते हो? सिर्फ 30,000 का। 30,000 से ज्यादा आप पेट्रोल डलवा नहीं सकते। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन। यहां से पार्टनरशिप डीड का कोई मतलब नहीं है। मेरा क्वेश्चन आप जरा समझेंगे, और अब आप सब बच्चे पार्टिसिपेट करना। एक एग्जांपल, पार्टनर्स के नाम है पी और क्यू, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, या इसे कर लेते हैं 3:2। ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आईओसी, दोनों पार्टनर को आईओसी मिल रहा है, इसे मिल रहा है 10,000, इसे मिल रहा है 5,000, 15,000। पार्टनर को सैलरी भी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, इसको मिल रही है 10,000 और इसको मिल रही है 5,000। यानी पार्टनर्स को आईओसी भी मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी। क्या आप मुझे बता सकते हो हमारा टोटल खर्चा कितना होने वाला है? बेटा बताइए टोटल हमारा खर्चा कितना होने वाला है, जल्दी से प्लस करो। वेरी गुड प्रियांशी, टोटल खर्चा कितना होने वाला है? 40,000 रुपये। अब सुनना केस, आपके पास नेट प्रॉफिट है 30,000। यहां से साफ पता चल गया आपके प्रॉफिट्स क्या हैं, इनसफिशिएंट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है
अगर आपके पास प्रॉफिट कम है तो आपको अपने खर्चे, बेटा क्या खर्चों को भी कम करना पड़ेगा? बताओ यस और नो। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही ये होता है, आपको अपने खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। यस। अब दिक्कत ये है किस रेशो में, ये है 12th क्लास में दिक्कत, किस रेशो में, क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने यहाँ लिखा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये देखो किस रेशियो में। अदिति ने आंसर दे दिया है, एक बार देखते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया है 30,000। पहले आप बांटोगे आईओसी पी और क्यू, फिर आप बांटोगे सैलरी पी और क्यू। अब सर किस रेशियो में, ध्यान से देखेंगे। पहले आप ये देखो पी को टोटल कितना मिलता है, बेटा ध्यान से देखना, पी को टोटल कितना मिलता है? 20,000। और क्यू को टोटल कितना मिलता है? क्यू का भी टोटल कितना है? 20,000। टोटल रेशो, इसका मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है 30,000, अगर मैं टोटल निकालता हूं, टोटल रेशो, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो टोटल पी को पता है कितना मिलता है? टोटल पी को मिलता है 20,000, और क्यू को भी कितना मिलता है? 20,000। इसका मतलब पी और क्यू की रेशो कितनी हो गई? 1:1। तो इस 30,000 को अगर मैं बांटूं दोनों में, तो पी को मिलेगा आधा और क्यू को भी कितना मिलेगा? आधा। पी को मिलेगा 15,000 टोटल और क्यू को भी कितना मिलेगा? 15,000 टोटल, क्योंकि मैंने रेशो कौन सी निकाली है? टोटल की। दोनों आ गए। अब दिक्कत ये है इस 15,000 में ये पी को मिलेगा, इस 15,000 में पी को दो चीजें मिलती हैं, आईओसी और सैलरी। यानी सर इसमें दो चीजें हैं, एक है आईओसी और दूसरा क्या है? सैलरी। सेम, इस 15,000 में भी दो चीजें हैं, एक है आईओसी और दूसरा क्या है? सैलरी। अब जरा ये देखते हैं इनकी आईओसी और सैलरी की क्या रेशियो है। बेटा ये बताओ इनकी आईओसी और सैलरी की रेशियो कितनी है? 10,000 10,000, मतलब 1:1। इनकी चेक करें जरा, इनकी आईओसी और सैलरी की रेशियो क्या है? देखो जरा 15 और 5, पता है इनकी क्या रेशो है? इनकी रेशो है 3:1। वेरी गुड अश्मित, 3:1। बस अब आप बांटो 15,000 में से इसे आईओसी मिलेगी 7,500 और सैलरी मिलेगी 7,500। ये कौन है? पी। पी की आईओसी कितनी आ गई? पी की आईओसी आ गई 7,500। सैलरी, सैलरी कितनी आ गई? 7,500। क्यू पर चलते हैं, 3:1, 3:1, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 15,000, 15,000, 7,000, 3,750। इसको सैलरी मिलेगी 3,750 और इंटू थ्री, मैंने रेशो में बांट दिया, इसको मिलेगी 11,250 आईओसी। तो मैंने लिखा इसकी आईओसी है 11,250 और सैलरी कितनी है? 3,750। आप टैली करो, ये पूरा का पूरा 30,000 ही आ रहा होगा। बेटा इसको टैली करो, ये 30 ही आ रहा होगा। करें जरा, 7,500, 11,250, 7,500, ये देखो पूरा का पूरा 30,000 आ रहा है। इसका मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही आप बांटोगे, किस रेशो में वो डिपेंड करता है कितने वेरिएबल्स हैं, जितने वेरिएबल्स हैं उतनी रेशो निकाल लो और उस रेशो में बांट दो। सेम कहानी क्वेश्चन नंबर 52 में होगी। पहले मुझे बताओ क्या ये समझ आया है? बेटा जल्दी से बताएंगे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं टीएस ग्रेवाल सर का क्वेश्चन नंबर 52। चलिए आराम से पढ़ते हैं इसके अंदर। मैं आपको पहले से ही हिंट दे रहा हूं, ऑफ कोर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट, प्रॉफिट आपके इनसफिशिएंट है, कम है, और अगर प्रॉफिट कम है तो आपको सारे के सारे खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। ये मैंने हल्का सा हिंट दे दिया, अब जरा पढ़ते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, पेज नंबर है 2.92। मैं फटाफट यहाँ पे बना देता हूँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब स्पीड से करेंगे जल्दी जल्दी, और आप नोट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो मैं बनाऊंगा वो पहले गलत होगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कबीर, जोरावर एंड पारुल तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो कितनी दे रखी है? 5:3:2। इसका मतलब सर जो लास्ट में प्रॉफिट होगा, जिसको आप बच्चे कहते हैं डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा कबीर, जोरावर और पारुल। तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो कितनी दे रखी है? 5:3:2। देयर कैपिटल्स, कैपिटल्स दे रखी हैं आप, कैपिटल्स कितनी कितनी दे रखी हैं आपको? एक की दे रखी है आपको कबीर की दे रखी है 5,20,000, जोरावर की है 3,20,000 और पारुल की कितनी है? 2 लाख। आप इनको देंगे IOC। IOC का रेट बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बताओ जल्दी जल्दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है थर्ड पॉइंट में 5%। तीनों पार्टनर्स में बांट देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ IOC के, Z और P। बेटा स्पीड से करते हैं, कैपिटल के ऊपर फटाफट 5% का इंटरेस्ट निकालते हैं। जल्दी से बताओ कितना कितना आ रहा है, आप सब बच्चे पार्टिसिपेट करो। 26 आ रहा है, 16 और 10,000, ये आ रहा है इनका IOC। उसके बाद पॉइंट नंबर चलते हैं फर्स्ट, कबीर और जोरावर को सैलरी मिलेगी, सैलरी मिल रही है कबीर और जोरावर, कितनी कितनी सैलरी है? 24,000 ईच, दोनों को हमने सैलरी दे दी। फिर लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में पारुल को कमीशन। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि आपका ये डाउट है, कमीशन मिलेगा सिर्फ पारुल को 2% ऑन सेल। सबसे लास्ट में देखो सेल्स दे रखी है 50 लाख, 50 लाख का 2% होता है 1 लाख, ये भी खत्म। उसके बाद आ गया पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक है कबीर, जोरावर और पारुल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रॉइंग्स की डेट नहीं पता। सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर 60,000। बेटा डेट नहीं गिवन, डेट नहीं गिवन तो हम क्या करते हैं, याद है आपको 60,000। जल्दी से बताओ, इंटरेस्ट का रेट है 5%, और अगर डेट नहीं गिवन तो हम मानते हैं मिडल। इसका मतलब तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट पता है कितना होगा? 1,500, 1,500 और 1,500, मिडल। सबसे लास्ट में दिया है नेट प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है 1,55,500, ये आपका हो गया। और अब एक पॉइंट रह गया, फिफ्थ पॉइंट, कह रहे हैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ध्यान से। फिफ्थ पॉइंट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये जितना कमाओगे उसका 10% हम कहाँ डालेंगे? जनरल रिजर्व। तो पहले कमाएंगे उसका 10% डालेंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब दिक्कत ये है, क्वेश्चन में साफ पता लग रहा है आपने कमाया कितना, चेक करो आपने टोटल आमदनी। बेटा आपकी इनकम कितनी है? 1,60,000, पॉकेट में 1,60,000 है, चेक करो खर्चा कितना हो गया। बेटा चेक करो खर्चा कितना हो गया,
पॉकेट में 1,60 है और खर्चा पता है कितना आ रहा है? खर्चा आ रहा है 2 लाख रुपए। इनको टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 लाख। विच इज नॉट पॉसिबल। इनकम से ज्यादा, इनकम से कभी भी एक्सपेंस ज्यादा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया तो आप लॉस में जाओगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इट मींस प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। अब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, इट मींस सर प्रॉफिट तो कुछ बचेगा ही नहीं, प्रॉफिट तो सब बढ़ जाएगा, आईओसी सैलरी कमीशन में बढ़ जाएगा, तो डिविजिबल तो कुछ बचेगा नहीं। अगर ये नहीं बचेगा तो क्या रिजर्व में कुछ पैसा डालेंगे? सो आंसर इज नो। आपस में बांट लेंगे। अब कैसे बांटेंगे जरा देखते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं, पहला पार्टनर है के, दूसरा पार्टनर है जेड, तीसरा पार्टनर है पी। पहले तो मैं इनकी टोटल कर लेता हूं, रेशो निकालने के लिए टोटल। जरा चेक करें, के को टोटल कितना मिलता है? सिर्फ के पर ध्यान देना, के को सैलरी भी मिलती है और के को आईओसी भी मिलता है। जरा चेक करें के को कितना मिलेगा। के को टोटल मिल रहा है 50,000। टोटल की रेशो निकालेंगे। अब बताओ जेड को कितना मिलता है? जेड को 16,000 ये और 24,000 ये। जेड को मिल रहा है 40,000। वेरी गुड। पी को कितना मिल रहा है बेटा? पी को चेक करो, 1,00,000 ये और 10,000 ये। टोटल मिल रहा है 1,10,000। और यही इनकी क्या बन जाएगी? टोटल रेशो। क्या रेशो बनी? 5:4:11। ये है इनकी रेशो। इस रेशो में ये अपना टोटल प्रॉफिट बांट लेंगे बेटा। इस रेशो में बांटेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इनके पास था कितना? नेट इनकम, नेट इनकम थी 1,60,000। इस रेशो में बांट दो 5:4:11। 1,60,000 को बांटें जरा 5:4:11 की रेशो में। बताओ 5, 4, 9 और 11, 20। 20 से डिवाइड करेंगे तो 8,000। 8 5 ज़ा इसको मिलेगा 40,000 रुपए। इसको मिलेंगे 32,000 रुपए और इसको मिलेंगे 80,000 रुपए। 88,000 रुपीज ये इनको मिलेगा। तो फाइनली के को टोटल कितना मिलेगा? 40,000। जेड को टोटल कितना मिलेगा? 32,000। और पी को, पारुल को टोटल कितना मिलेगा? 88। अभी तो सिर्फ टोटल टोटल आया है। अब सर दिक्कत आगे, बेटा आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, इतना ही करने के लिए, बट हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आपको ये देखना है, इसके अंदर दो चीजें हैं बेटा। अब आप बताओ, ये के का जो 50,000 आया था, इसमें दो चीजें थी। पता है के में क्या क्या थी? एक आईओसी थी और दूसरी क्या थी? सैलरी। बेटा एक आईओसी थी और सैलरी, यानी इसमें दो चीजें हैं, एक है आईओसी और एक क्या है? सैलरी। जेड में देखें, जेड में क्या है दो चीजें? जेड के पास एक तो है आईओसी और एक है सैलरी। जेड के पास भी दो चीजें हैं, एक है आईओसी और एक है सैलरी। हमें इनकी रेशो निकालनी पड़ेगी। और देखें पी के पास, पी के पास क्या है? पी के पास कमीशन है और क्या है? आईओसी। इसके पास आईओसी है और है कमीशन। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, टीएस रिवाल सर की बुक में सिर्फ इतना दे रखा है, कहानी खत्म जी। बट हम आगे भी इसको रेशो में डिवाइड करेंगे, आईओसी और सैलरी की रेशो में। एक बार आप चेक करो, मैं आपको आईओसी और सैलरी की रेशो बताता हूं, आराम से चेक करना। ये रही आईओसी और ये रही सैलरी। आईओसी और सैलरी की रेशो, पता है क्या रेशो बनी? आईओसी और सैलरी की रेशो बनी 26:24। इसमें इस प्रॉफिट को बांट देना,
बेटा 40,000 को इसमें बांटोगे तो आपको आईओसी और सैलरी मिल जाएगी के की। जी बेटा इसको बांटना है आपने आराम से, मैं तो आपको रेशियो बता रहा हूं। इसका देखें जरा, इसकी आईओसी कितनी थी, कौन था ये जेड, जेड की आईओसी है 16,000 और 24,000, यानी इनकी रेशियो आ गई 16:24। ये इनकी रेशियो है। और देखें जरा आईओसी और कमीशन 10,000 और 1 लाख, 10,000 और 1 लाख, यानी इनकी रेशियो आ गई 10। इस रेशियो में आपको बांटना है। आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, कैसे, ये आगे 1:10, इसको छोटा करें 8 2 जा 8 3 जा, इसको कैसे छोटा करेंगे, ये तो सिर्फ 2 से कटेगा। ये इनकी क्या हो गई रेशियो। इस रेशियो में आपको बांटना है, इस प्रॉफिट को इस रेशियो में ऐसे बांटोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं फटाफट एक बार कर देता हूँ बेटा, मैं आपको कर देता हूँ, अदरवाइज मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बुक के अंदर और आपके स्कूल के अंदर शायद इतना ही कराया गया होगा, खत्म। मैं आगे फर्दर डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको। चलिए जरा एक बार करके देखते हैं करेक्ट मेथड क्या है। ये तो सर गलत हो गया क्योंकि प्रॉफिट इनसफिशियंट है। करेक्ट मेथड, जल्दी जल्दी बेटा मुझे एक बार ये बता दो, क्या आपको ये पॉइंट समझ आया है। टेक्निकल मैं करता जा रहा हूं, क्या आप सब बच्चों को क्लियर है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है। बेटा ऑनेस्टली बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये है करेक्ट सॉल्यूशन। यस वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू, करेक्ट सॉल्यूशन के जेड पी। इनका इंटरेस्ट कितना था, 1500 1500 1500, टोटल आ रहा था 1,60,000, और आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, 1,60,000। बस इसको फटाफट जरा रेशियो में बांट देते हैं। सबसे पहले आएगा आईओसी के जेड पी, फिर आएगा सैलरी, सैलरी मिल रही थी सिर्फ के और जेड को, और फिर आएगा कमीशन, कमीशन मिल रहा था सिर्फ पी को। बेटा मेरे पास, मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। आप सब बच्चे एक बार डिवाइड करना जरूर रेशो में और चेक करना क्या ये हमारा आंसर ठीक आ रहा है। मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, मैं उसी रेशो में बांट रहा हूं आईओसी और सैलरी, और कमीशन आएगा इसको 80,000। टैली करके चेक कर सकते हैं क्या 1,60,000 आ रहा है। मैं एक बार करके देख लेता हूं, दिस इज करेक्ट सॉल्यूशन। 20,800, 12,800, 8,000, 19,200, 19,200 और 80,000, तो आंसर इज करेक्ट 160। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट सॉल्यूशन। क्या सर जनरल रिजर्व में कुछ आएगा, बेटा जनरल रिजर्व में तब आता जब कुछ प्रॉफिट बचता, प्रॉफिट बचा ही नहीं इसलिए जनरल रिजर्व में कुछ नहीं आएगा। बेटा जाते जाते आपसे एक दो डाउट्स रह गए हैं, वो भी मैं आपके क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और ये बात आप हमेशा याद रखना। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप सीबीएसई के एग्जाम पे हो, आप सीबीएसई के एग्जाम में, ये 3 साल पहले भी एक क्वेश्चन आया था, दो तीन फिगर थी बस, सारी नहीं थी, दो तीन फिगर थी, बोर्ड का एग्जाम था और एक बच्चा लास्ट मोमेंट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। उसने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा और उसको बाद में पता चला कि सर एक्सपेंसेस तो ज्यादा हैं, प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट। उस बच्चे ने उस पॉइंट को काटा, ऑफ कोर्स सर बना लिया था बट बाद में पता चला एक्सपेंस ज्यादा है, तो उसने इस पर कट लगाया और उसके बाद नया बनाया पीएनएल अप्रोप्रिएशन। और जैसे ही ये बनाना स्टार्ट किया बेटा, टाइम खत्म, टाइम अप, बोर्ड का एग्जाम टाइम अप।
ये बना नहीं पाया और ये काट दिया। मेरी बात याद रखना, बोर्ड एग्जाम के अंदर आप तब तक इसको नहीं काटोगे बेटा, तब तक इसको नहीं काटना, तब तक आप ये ना बना लो। जिस टाइम आपका ये बन गया, उसके बाद आपको इसे कट करना है, क्योंकि ये बच्चे से मिस्टेक हो गई थी, उसने काट दिया और टाइम अप हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमने ये बना लिया, ऑफ कोर्स गलत है, और काटा नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही, नहीं काटा। फिर आपने कहा सर हमने दोबारा से बनाया ये वाला, ये बिल्कुल सही बनाया, मगर हम काटना भूल गए थे और टाइम अप हो गया। बेटा इस केस में याद रखना, सीबीएसई दोनों में से जिसमें मार्क्स ज्यादा आएंगे, ये कट जो ये वाला है और ये वाला, जिसमें मार्क्स ज्यादा आएंगे सीबीएसई आपको वो वाला क्वेश्चन के मार्क्स देगा। तो सीबीएसई आपके फेवर में है, तो अगर इन केस काटना भूल भी जाते हैं स्टिल डोंट वरी, जिसमें मार्क्स ज्यादा होते हैं सीबीएसई स्टूडेंट को वो देता है। बेटा यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। दो क्वेश्चंस के डाउट हैं, या तो वो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, या हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।